क्या हालचाल है सबके। भाई आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें ये बड़े बड़े रोबोट गाड़ियां, ट्रक, फाइटर जेट, टैंक और रोबोटिक जानवर बन सकते हैं। इन ट्रांसफॉर्मर्स को कहते हैं ऑटोबॉट्स, और इन मूवीज में जो विलन होते हैं उनको कहते हैं डिसेप्टिकॉन्स। और भी आपको एक और बात पता होगी कि हर एक मास्टरपीस की पूरी दुनिया में कोई ना कोई सस्ती कॉपी तो होती है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट से मैच करती हुई कुछ इंडियन मूवीज से, जिनमें आपको ट्रांसफॉर्मर्स की तरह ही कुछ रोबोट्स और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। तो चलो भाई, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पेश है आपके सामने बम्बलबी का छोटा भाई डम्बलबी। ये इंडियन ट्रांसफॉर्मर ऑटोबॉट्स की तरह साइबरट्रॉन नाम के प्लेनेट से नहीं आया है। ये ट्रांसफॉर्मर आया है एक आत्मा की वजह से, जो कि है इस पीले रंग की गाड़ी के अंदर। और ये वही गाड़ी है जिससे ये ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स की बॉडी को एनर्जी के लिए एनर्जोन चाहिए, वैसे ही इस इंडियन ट्रांसफॉर्मर को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सही बात है। लेकिन ना तो ये ट्रांसफॉर्मर पेट्रोल पीता है, ना डीजल पीता है, ना ही किसी प्रकार का कोई फ्यूल पीता है, ना इसको बैटरी चाहिए, ना ही करंट। इसको एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मिलती है पानी से। जी? जब भी इस गाड़ी को एनर्जी चाहिए होती है तो ये लोगों से पानी मांगती है। ये लो, पानी पियो। ये डम्बल भी जन्म जन्म का प्यासा है पानी का, और जब भी इसको मौका मिलता है ये पानी पी लेता है, चाहे मांग के चाहे छीन के। Well done. जैसा ट्रांसफॉर्मर्स का भी एक मिशन है, उसी तरह इस इंडियन ट्रांसफॉर्मर का भी एक मिशन है अपने कातिलों को मारना। इस गाड़ी को जो आत्मा कंट्रोल कर रही है उसका मिशन ये है कि उन लोगों को मारना जिनकी वजह से इसकी मौत हुई। उन लोगों ने सिर्फ इस बंदे का कत्ल नहीं किया था, बल्कि साथ में इसकी बहन का भी कत्ल किया था। तो आपको मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी समझा देता हूं। तो होता ये है कि इन चार लड़कों को तांत्रिक शक्तियों के लिए एक लड़की की बलि देनी होती है। तो उनमें से एक लड़का इस गाड़ी के ड्राइवर की बहन की बलि देने के लिए अपने तांत्रिक दोस्त के पास ले आता है, और इनका पीछा करते करते ये बंदा भी अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे पहुंच जाता है। और जब ये लड़के इस लड़की को जिंदा जला के इसकी बलि दे रहे होते हैं तो उसी आग में ये बंदा भी कूद जाता है और ये भी मर जाता है। उसके बाद इस बंदे की आत्मा इस गाड़ी में आ जाती है, लेकिन इसके बारे में तांत्रिक को पता लग जाता है तो वो अपने जादू मंत्र से इस गाड़ी को यहीं पे बांध देता है, जिसके अंदर ये आत्मा कैद हो जाती है। लेकिन फिर एक दिन एक दैवी शक्तियों वाली औरत की एंट्री होती है, जो कि इस गाड़ी को तांत्रिक के मंत्रों से मुक्त कर देती है। बस फिर क्या था, फिर शुरू होती है इस गाड़ी की बदले की स्टोरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये गाड़ी चुन चुन के उन सभी कातिलों को मारने लग जाती है। ये गाड़ी इन कातिलों को डराने लग जाती है। hey, क्या देखो? कभी उनको गाड़ी से टक्कर मार के मारती है, कभी गाड़ी को उड़ा के मारती है, और कभी कभी ट्रांसफॉर्मर बन के मारती है। और इन चारों बंदों में से जो तांत्रिक होता है ना, उसको पता चल जाता है कि ये आत्मा सबको मार रही है, तो वो इस गाड़ी से बचने के लिए खुद को भी एक ट्रांसफॉर्मर बना लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस मूवी में ये वाला ट्रांसफॉर्मर है हीरो और ये वाला ट्रांसफॉर्मर है विलन। लेकिन इस विलन ट्रांसफॉर्मर की मौत इस डम्बलबी के हाथों नहीं होती, इसकी मौत होती है बड़े बड़े सांपों की वजह से। और ये बड़े बड़े सांप कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है, बल्कि ये तो बने हैं इसी औरत की दैवी शक्तियों की वजह से। दैविक शक्ति मंत्र शक्ति को रोक रही है, मेरी शक्ति विलीन हो रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडिया की ज्यादातर मूवीज में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ की किसी भी चीज को ऑटोमेटिक, इमोर्टल, जादुई बनाना है ना, तो बस एक ही चीज काम आती है, वो है आत्मा। इनके सामने तो साइंस, टेक्नोलॉजी सब धरा का धरा रह जाता है। अब जैसे कि आप सब लोगों ने टार्जन मूवी तो देखी होगी, ये लड़का इतनी मेहनत करके एक कबाड़ से ली हुई कार को एक स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फिर भी ये चलती नहीं और इस बंदे की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक आत्मा की, जो की होती है इस लड़के के पिताजी की। और जब ये आत्मा इस गाड़ी को अपने वश में कर लेती है तो गाड़ी काम करना चालू कर देती है, और ये देख के ये लड़का बहुत खुश हो जाता है। और अब ये गाड़ी ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग होने के साथ साथ 50%
ट्रांसफॉर्मर बन चुकी है। ये टार्जन कार ट्रांसफॉर्मर्स की तरह अपने डैमेज को रिपेयर कर सकती है। भाई टेस्ला गाड़ी की तो इस टार्जन कार के सामने कोई औकात ही नहीं है। टेस्ला गाड़ी का सिस्टम तो कभी कभी रोड के ऊपर काम करना बंद कर देता, लेकिन ये कार 100% एक्यूरेसी के साथ रोड के ऊपर चलती है बिना किसी एक्सीडेंट के। और तो ये कार स्टंट भी करती है, पानी के अंदर और पानी के ऊपर तैर भी सकती है और अपनी बॉडी को छोटा बड़ा भी कर सकती है। इसके अंदर ना तो कोई सेंसर है, ना तो कोई सॉफ्टवेयर है और ना ही ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाला कोई मैकेनिज्म है। बस इसके अंदर है एक तेज दिमाग वाली आत्मा। इस गाड़ी के अंदर बस एक ही कमी रहेगी कि ये गाड़ी रोबोट नहीं बन सकती, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स को पूरी पूरी टक्कर देती है, क्योंकि ना तो ये कभी खराब होगी, ना टूटेगी ना फूटेगी। अगर टूट भी गई, फट भी गई तो फिर से जुड़ जाएगी। इधर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें और रोबोट मूवी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई रोबोट 1 और रोबोट 2 के फाइट सीन में चिट्टी रोबोट ने अपने जैसे और रोबोट को जोड़ के ऐसे ऐसे कैरेक्टर बनाए ना, जिसको देखने के बाद ट्रांसफॉर्मर्स भी हैरान हो जाए। ये रोबोट आपस में कनेक्ट होके एक बहुत बड़ी बॉल बन सकते हैं, लेकिन ये बॉल कोई मामूली बॉल नहीं है, बल्कि इसके अंदर से बंदूकें भी चलती हैं। और ये रोबोट आपस में मिलके एक बहुत बड़ा सांप बन सकते हैं, जो कि चारों तरफ तबाही ले आता है। ये सांप बंदे निकल जाता है, गाड़ियां निकल जाता है और उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को भी नहीं छोड़ता। बाप रे। और तो ये रोबोट्स आपस में मिलके एक बहुत बड़ा इंसानी रोबोट भी बन सकते हैं। ये तो हुई चिट्टी रोबोट की बात, लेकिन रोबोट 2.0 में तो एक विलन होता है जिसका नाम होता है पक्षीराज। और ये पक्षीराज लाखों करोड़ फोनों को कंट्रोल करके अपने आप को 1000 फीट का ट्रांसफॉर्मर बना लेता है। इतना ही नहीं, ये बंदा अपनी इसी कला का यूज करके अपने इन्हीं फोनों से छोटे छोटे रोबोट और बड़े बड़े पक्षी भी बना सकता है। और इस पक्षीराज को मारने के लिए मूवी में एंट्री होती है रोबोट 2.0 की। ये रोबोट अपनी मैग्नेट पावर को यूज करता है और मेटल की चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स के कैन, गाड़ियां, बाइक्स, कुर्सियां, लोहे के पोल, सिक्के और बहुत सारी लोहे की चीजों को आपस में मिला करके अपने आप को एक बहुत बड़ा रोबोट बना लेता है। भाई इनके सामने तो ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन भी फीकी फीकी लग रही है। वाह क्या सीन है। और फिर होती है इन दोनों की फाइट। इतने बड़े स्टेडियम में ये दोनों मस्त अपनी फाइट कर रहे होते हैं और उधर लोगों को अपनी जान की पड़ी होती है, कहीं ये दोनों हमारे ऊपर न गिर जाएं। और इस भयंकर फाइट में रोबोट 2.0 को ये पक्षीराज अपने अंदर समा लेता है। और रोबोट 2.0 इस फाइट को हारने वाला होता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है फिर एंट्री होती है रोबोट 3.0 की, जिनकी मदद से रोबोट 2.0 जीत जाता है। और इस भयंकर मैच को जीतने के बाद ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो भाई ये थी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ से। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।